बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ए ग्रेड सोलर का ये ACDC प्रोजेक्ट है और ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है एक कंट्री साइड पे, जिसमें हमने AGS की 200 बैटरी यूज़ की है। इसमें कंट्रोलर है हमारा हाइपर का 30 एम्पेयर का, और इसमें 170 वॉट के दो मोनो के पैनल्स यूज़ किए। तीसरा पैनल जो है वो लेटर ऑन इसमें ऐड होगा। 4 mm की ओरिजिनल ISO सर्टिफाइड कॉपर वायरिंग है। तो ये इसका एक ओवरऑल लुक है। इसके साथ हमने चार्जर दिया है 15 एम्पेयर का सिमटेक का, जो कि 2 महीने वारंटी में अवेलेबल है हमारे पास। तो एक ओवरऑल इनका ये मेन स्विच है जो हमने डिज़ाइन किया है, और ये हमने फ्रिज के लिए DC फ्रिज के लिए इसका कनेक्शन यहाँ पे छोड़ा है। तो ये पूरा एक कॉर्नर है घर का। इस वक्त रात का टाइम है और पूरा जो घर का लोड है इस वक्त वापदा नहीं है, और ये सारा हमारा इस बैटरी पे इस वक्त रनिंग में है। ये ओवरऑल मैं आपको एक पूरा घर का लुक दे दूँ कि इसमें बरामदे में 3 पंखे हैं और ये तीनों पंखे AC DC हैं। इसके साथ ये जो लाइट आप देख रहे हैं, जो बल्ब जल रहे हैं, ये भी DC बल्ब हैं। एक प्रॉपर एक घर का पूरा सेटअप है। अब मैं आपको कमरे में दिखाता हूँ कि हर कमरे में एक बल्ब और एक पंखा भी हमने दिया है। ये पंखे चल रहे हैं और एक अच्छी स्पीड है पंखों की। वायरिंग अब देखें, हमारे बल्ब जो हैं वो वाइब्रेशन नहीं कर रहे। वायरिंग के अंदर हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है। तो AC DC प्रॉपर वायरिंग है। हमने AC के लिए भी पूरा न्यूट्रल जो है उसका अलग से डाला है। ये दूसरा कमरा है इसका, इसमें भी पंखा और लाइट जो है वो ऑन है। और ये तीसरा कमरा है, तीसरा पंखा है और ये बल्ब है। तो टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर 7 बल्ब यूज़ हुए हैं, 6 पंखे हैं। इनकी अलग से वायरिंग की गई है। ये कंट्री साइड पर है घर, तो इस हवाले से जो है ज़्यादा फैंसी काम भी नहीं किया, लेकिन साफ़ सुथरा काम किया है। पट्टी फिटिंग की है, एक खूबसूरती का जो हमारा एक रवायती तरीका है काम करने का, हमने उसी वे में इस काम को किया। छोटा बोर्ड जो है वो बिजली की साइड, सॉरी सोलर साइड पर है, और बड़ा बोर्ड जो है वो बैटरी बिजली की साइड पर है। तो दो दो बोर्ड हमने इस जगह पे दिए कि ये ज़रूरी होता है कि आप जब भी AC DC काम करें तो दोनों को अलग अलग बोर्ड्स दें। ये देखें, यहाँ पे भी हमने 2 बोर्ड्स दिए हैं। इसका बेनिफिट ये कि खुदा ना खास्ता कहीं पे शार्ट होता है या कुछ भी होता है तो वो मसला आइडेंटिफाई हो जाएगा, और लॉस का नुकसान जो है, लॉस का चांसेस कम से कम होंगे। तो ये दोबारा हम बरामदे में आ गए, जो मरकज़ी बरामदा है जिसमें 3 पंखे लगे हुए हैं, और ये तीनों इस वक्त सारा लोड रनिंग है। बेसिकली जो ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि सारी रात इनके 3 पंखे अगर लाइट ना भी हो तो वो सोलर पे चलते रहेंगे। लाइट्स वगैरह की जो ज़रूरत है वो भी इनकी पूरी होती रहेंगी। देखिए, अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो 0333-259-7049 पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। एक रफ़ एस्टिमेट जो ये पूरी वायरिंग की कॉस्टिंग है वो तकरीबन 1,10,000 1,20,000 के आसपास है। इसमें टोटल इनका जो है वो सारा बंदोबस्त हो गया है। सिर्फ एक पैनल जो है वो आगे चल के इनको ऐड करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये सिस्टम जो है वो आइडियल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।